बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत नबूवा व मादीन रिसाला। अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता चार मुहर्रम की एक मजलिसे अदा के हवाले से एक सियाको सबाक से हटा के सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप वायरल किया गया है। दौरान तकरीर जो हजारों मुसलमान मोमिनीन वहां पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में खिलाफत यजीद के मुतल्लिक गुफ्तगू होते हुए ये जुमला जात कहे गए कि जब जनाब सैयदा यानी कि जनाब ज़ैनब बिन्त अली दरबार में गई, दरबार खलीफा यानी कि यजीद के दरबार में गई, तो बीबी ने वहां पर जाके अपने हक की आयात को सुनाया और अपना आम मनवाया, और उसके बाद जनाब ज़ैनब बिन्त अली का शाम के दरबार में जो खुतबा है उस खुतबे को पढ़ा गया और साबित किया गया कि बीबी ने अपने खुतबा में लफ्ज इस्तेमाल किया ए फासिको फाजर। ये लफ्ज यजीद के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी लफ्ज को, इसी एक जुमले को, इसी एक क्लिप को उसके पहले और बाद वाली गुफ्तगू से हटा के पेश करके एक फिरकावारियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल हूँ और मेरी रोजाना की मजालस जो है उसमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर जोर दिया जा रहा है, अहले सुन्नत बरादरान को दावत फिक्र दी जा रही है और मसालक में आपस में हम आंगी और भाईचारे की दावत दी जा रही है। लिहाजा मैं ये बयान देता हूँ कि ये वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है उसमें जो खिलाफत, जो खलीफा और जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ये यजीद की खिलाफत के बारे में है, ना कि किसी और खलीफा मुस्लिमीन की खिलाफत के बारे में है। लिहाजा ऐसी गलत अफवाहों पे कान ना धरा जाए और ना ही ऐसी गलत चीजों को नशर किया जाए, और मैं हुकाम बाला से गुजारिश करूंगा कि ऐसी इस पुरअमन तरीके से होने वाले मुहर्रम में इस तरह की बातों को हवा देने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अस्सलामु अलैकुम।